रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, दो रिजल्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं आपने याद रखने हैं। पहला, अगर आपके पास कोई भी वेव है, जैसे मान लो स्ट्रिंग है, एक क्रेस्ट आया और ये वाला एंड फिक्स्ड है, ये अपनी पोजीशन से बिल्कुल भी हिलेगा नहीं, तो अगर क्रेस्ट आया तो आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर हम एनर्जी लॉस नहीं लेते, कोई एनर्जी लॉस नहीं है, टकराने से एनर्जी लॉस होता है वैसे, पर अगर हम नहीं लेते तो ट्रफ वापस आएगा। तो क्रेस्ट आया और ट्रफ आएगा कब, जब ये एंड एक तरफ का क्या होगा, बिल्कुल फिक्स्ड। पर लेकिन अगर ये मूवेबल होगा, जैसे रिंग है, एक रिंग है, मूव कर सकती है, तो मूवेबल में जब ये एंड फिक्स नहीं है तो क्रेस्ट आया, रिफ्लेक्शन के बाद वापस क्या आएगा, ट्रफ, सॉरी क्रेस्ट ही वापस आएगा, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये याद रखना है। इसका वैसे मैथमेटिकल पोर्शन काफी बड़ा है, बुक्स में गिवन नहीं है, लेकिन होता है, मैंने करवा रखा है, पर वो बहुत बड़ा है, उसका करने का फायदा नहीं है, उसकी एप्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चन आता नहीं है, तो हम यहीं से रिजल्ट याद रखेंगे, सारी बुक्स में इतना ही गिवन है। इसका तो मैं थ्योरेटिकल रीजन दे सकता हूँ, जैसे मेरा हाथ है, ये मूवेबल है, एक वेव पल्स आई, एक वेव पल्स का जब क्रेस्ट मेरे हाथ में एंटर करेगा तो मेरा हाथ ऊपर जाएगा और नीचे, और जैसे ही ऊपर नीचे गया मैं उल्टी वेव जनरेट कर दूंगा। तो देखो ना, मेरा हाथ ये एंटर करा, मेरा हाथ ऊपर नीचे, तो वापस वेव जनरेट हो जाएगी, राइट? तो ये आपने याद रखना है, इस रिजल्ट को मैं स्टैंडिंग वेव्स के अंदर यूज करूंगा।